अजय देवगन की 2024 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होगी शैतान। ये फिल्म 8 मार्च को रिलीज हो रही है। ये एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है, मगर शुरुआती पोस्टर से ये टिपिकल भूतही फिल्म नहीं लग रही। कुछ कैच है इसमें, वो क्या है ये तो अपने को पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। शैतान को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में अजय के साथ ज्योतिका और आर माधवन भी दिखेंगे। नीरज पांडे और अजय देवगन की एक साथ पहली फिल्म औरों में कहां दम था 26 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर बताई जा रही है, जिसकी कहानी 2002 से 2023 के बीच घटेगी। इस फिल्म में अजय के साथ तबू, जिमी शेरगिल और सई मांजरेकर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर MM कीरवानी ने कंपोज किया है। मैदान वो फिल्म है जो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है। मैदान अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से टकराएगी, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हो रही हैं। मैदान पीरियोडिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। इसमें अजय देवगन ने सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। सैयद 1952 से 1962 के बीच इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे थे, जिसे इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अजय के अलावा इस फिल्म में प्रेमणि और गजराज राव जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंगम अगेन इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। सिंगम अगेन 15 अगस्त को रिलीज के लिए स्केड्यूल्ड है। सिंगम अगेन का क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से हो सकता है। 2018 में फिल्म रेड रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन ने इनकम टैक्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया था, जो एक नेता के घर रेड मारता है। इस हिट फिल्म में इलियाना डिक्रूज और सौरभ शुक्ला भी थे। फिल्म के सीक्वल रेड 2 की रिलीज डेट 15 नवंबर 2024 है। फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी साल में अजय देवगन की बैक टू बैक इतनी फिल्में रिलीज हो रही हैं। साल 1993 में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई थी। 1993 में अजय, दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बेदर्दी और धनवान जैसी फिल्मों में दिखे थे। साल 2003 में अजय की 7 फिल्में थिएटर्स में लगी। ये फिल्में थी भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगाजल, परवाना, जमीन और LOC कारगिल। 2005 में अजय की 8 फिल्में रिलीज हुई थी। ये फिल्में थी इंसान, ब्लैकमेल, जमीर, टैंगा चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ, अपहरण और शिखर। साल 2010 में अजय की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई। ये 6 फिल्में आती थी तुम कब जाओगे, राजनीति, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, आक्रोश, गोलमाल 3 और टूनपुर का सुपर हीरो है। उसके बाद से हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार्स ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। अक्षय कुमार को छोड़ दें तो सभी नामचीन सितारों ने साल में 1 या 2 फिल्में करनी शुरू कर दी, और वही चीज जो आज तक करते आ रहे हैं। अजय कई सालों बाद साल में 2 या 3 से ज्यादा फिल्मों में दिखाई देंगे।